आईवी इन्फ्यूजन सेट्स के बारे में। इन्फ्यूजन सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन्फ्यूजन सेट्स का यूजेस क्या होता है। मेनली अगर हम लोग बात करें इन्फ्यूजन सेट क्या होता है, तो इन्फ्यूजन सेट एक तरह का एक मीडियम होता है। ये आप देख सकते हो, ये एक इन्फ्यूजन सेट है, ये एक इन्फ्यूजन सेट है। मतलब इन्फ्यूजन सेट एक तरह की प्लास्टिक की ट्यूबिंग होती है या एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन आईवी फ्लूइड पेशेंट को देते हैं कैन्यूला के थ्रू। मतलब ये एक मीडियम होता है कैन्यूला और आईवी के बीच का, जिसके थ्रू हम जो होता है आईवी फ्लूइड या मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फ्यूजन सेट कितने टाइप के होते हैं, इन्फ्यूजन सेट उसके यूजेस के हिसाब से अलग अलग टाइप का होता है। अगर हम बात करें मेनली बेसिक सा एक इन्फ्यूजन सेट, तो ये एक बेसिक सा इन्फ्यूजन सेट है जिसको हम आईवी इन्फ्यूजन सेट बोलते हैं। एक ब्लड सेट आता है जिसके थ्रू हम सिर्फ ब्लड को ही ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसके अलावा एक माइक्रो सेट आता है, ये एक पीएमओ लाइन है। इस वीडियो में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। आता है सबसे कॉमन सा आईवी इन्फ्यूजन सेट। अब ये कॉमन सा आईवी इन्फ्यूजन सेट इसलिए है क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे पहले से ही यह यूज किया जा रहा था। अब इसमें होता यह कि आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पे कि इसमें कोई वेंटिलेटेड नहीं है। मतलब ये सिंपल सा एक है, इसको हम आईवी बॉटल या बॉटल में कनेक्ट करते हैं, पर इसके साथ हमें एक एयरवे कनेक्ट करने की जरूरत होती है। एक निडिल जो इसी के साथ आती है, ये आप देख रहे हैं, इसके सेट में एक निडिल है। ये निडिल हम बॉटल में प्रिक करते हैं। अब इस प्रिक करने के कारण क्या होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन काउंट बढ़ जाते हैं उसके। हो सकता है निडिल, आप जो निडिल लगा रहे हो वो प्रॉपर स्टराइज नहीं हो, पता चले वो बहुत टाइम से पेशेंट के बेड पे हो या पेशेंट के साइड में रखी हो, आपने आके प्रिक कर दिया, तो उसके कारण क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है। अब इस इन्फेक्शन के कारण पेशेंट को बहुत सारे काउंट बढ़ जाते हैं या सेप्सिस में चला जाता है, शॉक में चला जाता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है पेशेंट के साथ में। इसी कारण इस इन्फ्यूजन सेट का आजकल यूज नहीं के बराबर कर रहे हैं। मतलब जो बड़े जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो मैक्सिमम टाइम पे ये चीजें हम लोग यूज नहीं करते हैं। अब इसके बदले हम लोग जो है ये वेंटेड इन्फ्यूजन सेट यूज करते हैं, ये इस टाइप का। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए एक विंडो बनी है। इस विंडो के थ्रू बबल्स या एयर ऑटोमेटिकली पास हो जाती है और अपने को निडिल का प्रिक नहीं करना पड़ता है। तो ये तो हो गया एक आईवी सेट को मॉडिफाई करके वेंटेड आईवी सेट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब इस लिस्ट में सेकंड आता है ये माइक्रो आईवी सेट, जिसको हम माइक्रो ड्रिप सेट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक तो ये ऑलरेडी वेंटेड होता है और इसमें यहाँ पे एक नोज होती है। यहाँ पे एक जो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक ये स्टेनलेस स्टील की एक निडल टाइप निकली होती है। इसका यूज हम करते हैं मेनली जिन पेशेंट में आईवी फ्लूड हमें कम देना होता है, बच्चों में यूज करते हैं, या कोई कोई ज्यादा अमाउंट में फ्लूड है जिसको अपने को 20 ml देना है, 40 ml देना, इस टाइप का जो मेजरिंग एरिया वाला जो फ्लूड होता है वो हम इस आईवी माइक्रो आईवी सेट से देते हैं। सेकेंड हम लोग बात करें, अगर हम इन्फ्यूजन सेट ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशली ब्लड सेट चाहिए रहता है। ये एक रेड कलर का होता है, पैकिंग में आता है रेड कलर की। इसमें एक ब्लड फिल्टर लगा होता है, ब्लड फिल्टर लगा होता है जो कि इसके चैम्बर के बेस में लगा होता है, जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होके पेशेंट को जाता है। इस लिस्ट में सेकंड है अब पीएमओ लाइन, इसको हम आईवी इन्फ्यूजन सेट की लिस्ट में ही रखेंगे क्योंकि ये एक पीएमओ लाइन है और ये यूज होती है इन्फ्यूजन सेट के। इन्फ्यूजन सेट एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम पेशेंट को आइनोट्रॉप बोले तो नॉरेड, डोपा, ये सारी चीज हम देते हैं उसको 1 ml, 2 ml, 3 ml पर आवर के हिसाब से जब हम देते हैं। तो इसको एक 50 ml की सिरिंज से कनेक्ट करते हैं। इन्फ्यूजन सेट में जो रेट भी हमें रखना होता है वो रेट हम रखेंगे और इसका सेकेंड एंड हम पेशेंट से कनेक्ट कर देंगे और इस तरह से ये हम यूज करेंगे। इसके अलावा इस लिस्ट में अगर हम चाहें तो एक रोमोफ्लोमीटर को ऐड कर सकते हैं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसकी पिक हम देख सकते हैं, जो कि आपको पिक अभी दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। एक रोमोफ्लोमीटर आता है, ये रोमो से वो आप 100 ml पर आवर, 50 ml पर आवर जो भी होता है वो हम उस पर सेट करके छोड़ देते हैं और वो उतना चला जाता है। इसके अलावा एक कोडॉन सेट होता है, कोडॉन सेट भी अभी अवेलेबल नहीं है, उसकी भी हम पिक देख लेते हैं। कोडॉन सेट जो होता है इसमें एक बीच में एक फिल्टर होता है, स्पेशली
ये फिल्टर हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी की मेडिसिन के लिए। कीमोथेरेपी में कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम नॉर्मली आईवी से नहीं दे पाते हैं। आईवी जिसमें कैनुला से कनेक्ट करने के लिए हमें कॉर्डन सेट की आवश्यकता होती है। इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉर्डन सेट होता है, कॉर्डन सेट के थ्रू हम मेडिसिन दे सकते हैं। मेनली जो है बेसिकली ऐसे तो बहुत सारे होते हैं पर मोस्टली यूजेस जो है आईवी सेट या आईवी इन्फ्यूजन सेट्स यही होते हैं जो हमने अभी इस वीडियो में देखा है।